बेहट कोतवाली पुलिस ने कस्बे के निकट खंडहर पड़े भवन में अवैध असलाहा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से अवैध हथियारों के साथ कारतूस और असलाह बनाने के उपकरण बरामद करते हुए दो लोगों को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि क्षेत्र में अवैध असलाहा बनाकर सप्लाई करने वाले गिरोह पिछले काफी समय से सक्रिय हैं। वहीं सहारनपुर के एसएसपी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि कस्बे के निकट दिल्ली यमुनोत्री हाईवे किनारे स्थित सिंचाई विभाग के खंडहर में कुछ लोग अवैध असलाहा बना रहे हैं और जो तैयार असलाहा को क्षेत्र में सप्लाई करते हैं। वहीं पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर खंडहर पड़े भवन की घेराबंदी करते हुए अवैध असलाहा बना रहे सरवन गांव अच्छोइया थाना झिंझना और पंकज निवासी कस्बा अम्बेहटा को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ने उनके कब्जे से दो बंदूक, चार तमंचे और पांच अधबने तमंचे और कुछ जिंदा कारतूस के साथ ड्रिल मशीन और शस्त्र बनाने से संबंधित उपकरण बरामद किए हैं। ये श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधों की रोकथाम के लिए टीम गठित की गई थी, जिसमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि सिंचाई विभाग के खंडहर थाना बेहट के पास कुछ लोग जो है अवैध तमंचे बना रहे हैं। इस सूचना पर विश्वास करके वहां पर हमारी मौके पर टीम गई, जहां से उन्होंने करीब 6 असलहे बने हुए प्राप्त हुए तथा उसकी सामग्री फैक्ट्री की प्राप्त हुई, जिसमें से 2 तमंचा जो है 315 बोर, 2 12 बोर और 2 बनी बंदूकें प्राप्त हुई हैं तथा 5 अधबने तमंचे भी प्राप्त हुए तथा उसके बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने भेजा जा रहा है।